तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग पे। सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा कोलेशंस की कुछ एग्जांपल्स। तो आप दोनों आदमी को मैंने लास्ट कुछ क्लासेस में बताया था कि किस तरीके से हम डेटा को एक के साथ एक के नीचे एक के नीचे कुलेट करते हैं। जैसे कि मुझे अगर इसको कॉपी करना है, सीट वन पे जाके कॉपी करना है और इसके नीचे नीचे पेस्ट करना है, तो इसी में हम थोड़ा सा डिटेल्स में आज आपके साथ जाएंगे और कई एंगल से इस डेटा को कुलेट करने की कोशिश करेंगे। ओके तो मेरा फाइल है यहां और मैं इंसर्ट करता हूं एक नया मॉड्यूल और सब्जेक्ट डेटा सी ब्रैकेट ओपन क्लोज और फिर हम यहां पर देते हैं लूप की फोर आई इक्वल। लूप क्यों देंगे? क्योंकि हमें क्या करना है इस चीज को समझिए। हमें जो है पहले जाना है डेटा वन में, इसको कॉपी करना है, सेलेक्ट करना है, कॉपी करके मास्टर पे पेस्ट करना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक कई सारे फाइल खुल गए, मैं कुछ फाइलों को बंद कर देता हूं। तो यहाँ पे हम लूप यहाँ पे करते हैं कि शीट और पहली सीट पे जाए, हमें सीट का नाम नहीं पता इसलिए पहले सीट हम कर देते हैं सिलेक्ट। फिर हम देते हैं रेंज रेंज ए वन डॉट करेंट रीजन डॉट कॉपी, सिलेक्ट नहीं डायरेक्ट हम कॉपी करवा लेते हैं। उसके बाद वापस सीट्स और कौन सा सीट्स, तो आएगा मास्टर पे, क्या जहां पे डेटा हमारा कॉपी होना है, डॉट सेलेक्ट या एक्टिवेट आप कर लीजिए। फिर अभी क्या है कि मुझे एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना है, तो हमें नहीं पता कि कौन सा कितना डेटा पहले से कॉपीड है, तो हम यहाँ 65,000 देते हैं और उससे ऊपर की तरफ जाते हैं और एंड करके हम वापस ऑफसेट लगा के एक रो नीचे आते हैं, मतलब कि नेक्स्ट ब्लैंक रो, इसमें हम पेस्ट स्पेशल कर देते हैं। तो पेस्ट स्पेशल करने से पेस्ट हो जाता है। तो हम सबसे पहले हमारा पहला कोड क्या करेगा, सीट वन मतलब कि नंबर वन है तो पहली पोजीशन वाले सीट पे जाएगा और यहां से कंट्रोल ए करके इसको कॉपी कर देगा, मास्टर सीट में आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा और डेटा को पेस्ट कर देगा। तो डेटा पेस्ट करेगा तो वो हेडिंग का डेटा भी पेस्ट करेगा, मतलब कि अगर मैं इसको करूं कि कंट्रोल ए कॉपी और 65,000 नीचे गया ऊपर गया एक नीचे आया पेस्ट किया, तो वो हेडिंग को भी पेस्ट कर देगा। लेकिन जब हेडिंग पेस्ट होगी तो वही मेरा एक्टिवेट होगा, जब हेडिंग पेस्ट होगी वही हमारा एक्टिवेट होगा। तो हम क्या करेंगे कि इस कॉलम रो को पूरी तरह से डिलीट कर देंगे। ये चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। तो यहां पे करेंगे एक्टिव सेल डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट, ये पूरी की पूरी रो को डिलीट कर देगा। तो हमारे एक सीट का डेटा पेस्ट हो गया। ओके तो एक कोड समझ में आया आप लोगों को। अब बात होती है दूसरे सीट पे पेस्ट करने के, तो हम इसी को कॉपी करके नीचे नीचे पेस्ट करेंगे और बस सीट नंबर चेंज कर देंगे तो हो जाएगा सीट थ्री सीट फोर इस तरह से। तो यही पे एक प्रॉब्लम होती है कि अगर 10 सीट हुई या 100 सीट हुई तो डायनेमिक तो होगा नहीं है, तो यही पे हम लूप का यूज करते हैं। यहां पे देते हैं कि फोर आई इक्वल टू चले वन टू कितना, अब प्रॉब्लम आ गई कितने सीट्स हैं, हाउ कैन मुझे कैसे पता चलेगा, एक कमांड होता है सीट का कॉपी करने का। सुहास जी गुड मॉर्निंग। तो यहां पे हम सीट्स डॉट कॉपी कर सीट डॉट काउंट करते हैं, लेकिन जब सीट डॉट काउंट हम करेंगे तो ये मास्टर सीट को भी इंक्लूड कर लेगा, लेकिन फिलहाल मेरा मास्टर सीट सबसे लास्ट में है तो हम यहां लिख सकते हैं माइनस वन और यहां कर देते हैं नेक्स्ट। फिर भी इस कोड को वो रन तो करेगा जितने भी शीट्स है उसे कम,
बार एक ही सीट का डेटा कॉपी करेगा। नतीजा क्योंकि यहाँ पे वन फिक्स है तो इसको भी हमें डायनेमिक करेंगे, जब तक इसको डायनेमिक नहीं करेंगे तब तक कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे आई देता हूँ। आई क्यों दिया? क्योंकि जब लूप चलता है तो लूप की जो काउंटिंग है वो आई के ऊपर स्टोर होती है। आई क्या है? एक वेरिएबल है, एबीसीडी है, इसको हम यूज कर सकते हैं। तो अब मेरा डेटा एक सीट पे एक के नीचे एक के नीचे कॉपी पेस्ट हो जाता है, हो गया। अब इसमें कुछ दिक्कत है। पहली दिक्कत यह है कि मेरा मास्टर बीच में भी हो सकता है, तो क्या करें? तो जाहिर सी बात है कि हमें अगर कुछ काम कंडीशंस पे करने हैं कि ऐसा हो तो ऐसा ना हो, मतलब कि जब मास्टर सीट हो तो कॉपी ना हो, तो उसके लिए जाहिर सी बात है हमें कंडीशन इस्तेमाल करना होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि इफ एक्टिव सी डॉट नेम इक्वल टू डेटा। हम सिर्फ डेटा, क्योंकि एक्टिव सीट डॉट नेम जो है वो टैक्स ही देगा ना, तो डेटा याद रखिएगा दोनों सेम होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका मास्टर डेटा, माफ कीजिए मास्टर हमारा, हाँ मास्टर, मास्टर का पूरा केस सेंसिटिव होता है। तो अगर मान लीजिए कि एम छोटा बड़ा हुआ तो दिक्कत हो सकती है, मैच होगा तभी करेगा। तो अगर मास्टर है, यहाँ पे हमें नॉट इक्वल टू मास्टर करना है, नॉट इक्वल टू मास्टर है तो एक कॉपी पेस्ट करने वाली प्रक्रिया लगेगा। अभी इफ लगाया तो हमें इफ को क्लोज भी करना होगा, तो यहाँ पे एंड इफ कर दिया। तो सिंपल सा कोड हमने क्या दिया, सिंपल सा कोड हमने दिया यहाँ पे कि अगर मास्टर सीट एक्टिव है तो कॉपी पेस्ट ना की जाए। अब इसमें वीबीए का चीज जो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक सिंपल सी और बात करते हैं कि क्या ये बीदा और वीबीए भी हो सकता था क्या सर? तो मैं इस फाइल को एक मिनट डेटा सी के नाम से सेव करता हूँ। और यहाँ पे कर्सर रखता हूँ और मैं डेटा में हमारे पास एक होता है गेट डेटा फॉर्म फोल्डर, उसको लेता हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ, मुझे ही नहीं पता कि डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स के डेटा तो कुलेट हो जाती है, बट एक फाइल के अंदर शीट्स की डेटा कुलेट होती है नहीं होता इसके बारे में आइडिया नहीं है, तो एक बार ट्राई करके देख लेते। नहीं 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 नहीं, फोल्डर से तो गलत होगा, मैंने गलत ऑप्शन यूज कर लिया। एक मिनट मैं इसको कैंसिल करता हूँ, हमें फॉर्म फाइल करना था, तो यहाँ पे फॉर्म वर्कबुक, और उसी वर्कबुक जो वर्कबुक को मैंने अभी सेव किया है डीटी फोल्डर के अंदर में। डेटा सी के नाम से, अलग अलग सीट्स के डेटा यहां पर आता है। तो मैं पहले सीट डेटा लेता हूं, यहां पे लोड है, यहां पे लोड टू आता है, एक लोड होता है एक लोड टू होता है। मैं एक बार लोड टू पे क्लिक करता हूं, लोड टू करने से क्या होता है, इसमें कंबाइन का ऑप्शन नहीं है, नहीं कंबाइन का ऑप्शन नहीं है। तो हम फाइल्स अलग अलग फोल्डर्स में हैं उसको कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग शीट्स में है तो उसको कंबाइन थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ पावर क्यूरी इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन फिर भी दिक्कत है। चलिए इसको हम हटा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, वापस बैक टू बीबीए टॉपिक। तो यहाँ पे हमने एक के नीचे पेस्ट कर ली। अभी दिक्कत यह है कि मास्टर का एम छोटा बड़ा भी हो सकता है। अगर मान लीजिए मास्टर का हम एम छोटे स्मॉल कर दें तो इसका डेटा भी कॉपी कर लेगा, क्योंकि एक्सेल में आपका केस सेंसिटिव होता है। तो उस केस में क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको लोअर लेटर में लिख देंगे, यहाँ देख लीजिए, और हमारे एम एम ए था, और हम क्या करेंगे इसको दे देंगे एल केस, एल केस ब्रैकेट ओपन, और यहां हम इसको क्लोज कर देंगे। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैपिटल हो या स्मॉल हो।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये यह आता है कि मैं चाहता हूं यहां पे सीट नेम को डालना, क्योंकि बाद में सेग्रीगेशन करने में फायदा हो कि भाई कौन से सीट से डेटा आया है, या अगर अलग अलग फाइलें हैं तो कौन से फाइलों से डेटा आया है। मतलब कि जब इसको कॉपी करे और कॉपी करने के बाद जब मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ, पेस्ट करने के बाद जो हमने डेटा डिलीट कर दिया, अब यहाँ पे हम डेटा वन ले आया है तो डेटा वन को पेस्ट करना है, मतलब कि नीचे से ऊपर साइड में जाना है और यहाँ जाके डेटा को डालना है। तो चलिए इस चीज को करते हैं। तो हम यहां पे करते हैं रेंज, हमारा लास्ट कॉलम कौन सा है, आई है, तो मैं यहां लिखता हूं कि आई 65,000 डॉट एंड एक्सेलेस अप डॉट ऑफसेट 0.1। यहां हमने कॉलम दिया, इससे क्या होगा कि नीचे से ऊपर आएगा और यहाँ पे कर्सर सेलेक्ट होगा। अब मुझे यहाँ से ऊपर की वैल्यू को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम देते हैं रेंज एक्टिव सेल, चले एक्टिव सेल डॉट एंड, और इसमें हम दे देते हैं एक्सेलेस अप डॉट ऑफसेट। ऑफसेट लगाना जरूरी है क्योंकि जब ये अप होगा, जैसे यहाँ यहाँ से जब ये ऊपर की तरफ गया तो ये हमारा सीट नेम को भी ले लिया, मतलब ऊपर के डेटा को भी ले लेता है, तो मुझे एक नीचे लाना है, इसलिए यहाँ पे हम ऑफसेट 1.0 डालेंगे और यहाँ पे बोलेंगे कि इसकी वैल्यू इज इक्वल टू सीट्स में आई डॉट नेम। अब बोलोगे सर एक साथ कई सारे सेल पे डेटा क्यों कर सकते हैं? हाँ, एक वैल्यू को कई सारे सेल की वैल्यू पे डाला जा सकता है। अब देखिए क्या होगा, अब मैं इसको एक बार डिलीट करके इसको रन करता हूं, देखता हूं क्या सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। परफेक्ट, परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब यहां पे एक और प्रॉब्लम आती है कि मेरे पास कॉलम, जिसे किसी में कॉलम एक कम है, या कॉलम मान लीजिए सब में कॉलम बराबर है, कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन सिक्वेंसली नहीं, जैसे कि इसका मार्च जो है यहां पर है, डेटा में आप बोलेंगे इसका जून जो है ये सबसे स्टार्टिंग में है, ऐसे डेटा फाइव में जो आपका अगस्त है वो अगस्त जो है जनवरी के बाद है, तो डेटा का हेडिंग का सीक्वेंस अलग अलग है। अब हमें कोलेशन का ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि डेटा के इसको रीड कर सके, पोजीशंस को रीड कर सके, राइट सर। तो सब्जेक्ट हम यहाँ पे डेटा यहाँ पे 1-2 करता हूँ, ब्रैकेट में क्लोज। यहाँ पे भी हम लूप लगाएंगे और जो हम कर रहे थे वही करेंगे, यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट सेम ही आएगा, बट पेस्ट वगैरह जो यहाँ हो रहा है वो नहीं हुआ है, तो -1 कर देता हूँ, अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो हमें चलना है अलग अलग शीट्स पे, बाद यहां हमें एक और लूप लगाना होगा, हम क्या है कि हर डेट हर सीट में डेटा में जाना है और उसकी कॉलम के हिसाब से कॉपी पेस्ट करना है, जो ए जनवरी कॉलम जहां है वहां पे पेस्ट करना है, फरवरी का फिर वहां पे पेस्ट करना है, मार्च का वहां पे पेस्ट करना है, मई का वहां पे पेस्ट करना है, समझे। तो यहां पे 4 यहां पे हमने किया 1-2 ये आपका कितना चले हमारे डेटा शीट में, मास्टर शीट में चलना है हमें टोटल 9 टाइम्स, 9 कॉलम है तो 9 चलना है।
तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कॉलम कॉलम इक्वल टू यहाँ देंगे एप्लीकेशन डॉट मैच मैच, बस माफ कीजिए वर्कशीट फंक्शन होता है ना, वर्कशीट फंक्शन डॉट मैच, मैच में हम देंगे सेल्स वन कॉलम वन रो एंड जे कॉलम, इसमें मैच करना है शीट्स आई, शीट्स आई डॉट रेंज पूरी एक रो में जीरो, इसका रो नंबर जो कॉलम नंबर सी पे स्टोर हो जाएगा, कॉलम नंबर सी पे स्टोर हो जाएगा। हमें क्या करना है रेंज, रेंज में हमें देना है यहां पे सेल्स, सेल्स में हमें देना है नहीं टू रो और सी कॉलम स्टार्टिंग और एंडिंग हमारा है सेल्स 65,000 रो सी कॉलम डॉट एंड एक्सेल अप, लेकिन कॉपी करने से ये हमें करने से पहले हमें क्या करना होगा, सीट का रेफरेंस हर किसी में देना होगा, यहां भी देना होगा और सेल्स में भी देना पड़ेगा और यहां भी देना पड़ेगा। और यहां रेंज यहां पे रो आर इक्वल टू रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सेलस अप डॉट रो ले तो हमें पेस्ट कहां करना है और फिर यहां पे रेंज सी होगा यहां पे कि सी and j column dot paste, ठीक है सर, और नेक्स्ट आई नेक्स्ट j, और नेक्स्ट आई के बाद ये हो गया, उसके बाद हम जो ये कर रहे थे ना पेस्ट हो जाएगा तो लास्ट में, ओके मैं एक बार इसको रन करता हूं, पेस्ट स्पेशल गलत है और एक और गलत है, हमें पेस्ट अगली रो में करना है ना, तो यहां पे रो तो रहेगा ही सॉरी रो तो रहेगा, यहां पे हमारा आर प्लस वन हो जाएगा और ये पेस्ट स्पेशल का स्पेलिंग मिस्टेक है, या अब सही है अब वर्क करेगा, देखा सर। अब इसको मैच भी कर लेते हैं, हम डेटा वन में आते हैं जैन फाइव मार्च फिर मई जून जुलाई का ऐसे ही है,
और यहाँ पे आते हैं तो जून पहले 41 डेटा टू में आते हैं तो देखिए 41 सही है। हाँ कुछ पूछ रहे थे प्रॉब्लम है संदीप जी आपको प्रॉब्लम है हाँ सुहास जी आप ही को प्रॉब्लम है ना बस ओके ओके ठीक है बताता हूँ। किरण जी आप क्या बोल रहे हैं अब मैं समझाता हूँ देखिए सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि हमें करना क्या है। सुहाज आपके लिए है हमें क्या करना है कि हमारे पास कई अलग अलग सीट्स में ठीक है ना मुझे इस डेटा को एक के नीचे कॉपी करना है। ये चीज़ आई थिंक आपको पहले भी बताया था याद होगा बताया था ना सर। तो हमने इसके लिए ऊपर वाली कोड बनाई थी तो हमने ऊपर वाली कोड में बनाया एक सीट तक चले और सीट वन को सिलेक्ट करो और पहले चेक एलकेएस से लोअर केस में कन्वर्ट कर दो और चेक करो कि ये मास्टर तो नहीं है क्योंकि हमें मास्टर सीट की डेटा कॉपी नहीं करना है और एलकेएस से लगाया क्योंकि एक्सेल वीवीए में क्या होता है केस सेंसिटिव होता है बड़े छोटे का फर्क समझता है। तो अगर मास्टर में अगर मान लीजिए कैप्स लेटर हुआ या स्मॉल लेटर हुआ तो दिक्कत होगा तो हमने एलकेएस से हमने कन्वर्ट कर दिया लोअर में भाई दोनों लोअर है मैं भी यहाँ लोअर में लिख दिया और सीट का नाम अगर अपर में है या प्रॉपर में है फिर भी उसको लोअर में कन्वर्ट कर देगा ठीक है। फिर वो सीट के A1 पे जाके पूरी डेटा को कॉपी करेगा वापस मास्टर सीट पे आएगा और नीचे से ऊपर की तरफ जाके लास्ट सेल में पेस्ट स्पेशल कर देगा। लेकिन क्या है कि जो डेटा उठाएगा वो पूरा हेडिंग उठाएगा सर ये हेडिंग उठाएगा और हेडिंग के साथ उठाकर पेस्ट करेगा लेकिन मेरा पहला रो जो है हेडिंग जो है वो एक्टिवेट है एक्टिव से रिलेटेड है ना सर पता जो हेडिंग होता है वही एक्टिवेट होता है। तो हमने यहाँ पे कोड दिया कि एक्टिव सेल डॉट एंटायर रो डिलीट मतलब कि पहले रो को डिलीट कर दो जो एक्टिव सेल है उस रो को डिलीट कर दो तो हेडिंग डिलीट हो जाएगा ओके। अब क्या है कि मुझे ये बताना है कि ये डेटा कहाँ से कॉपी होके आया तो इसके लिए हमने यहां पे दिया कि रेंज I 65,000 हमने कोड क्या दिया हमने बोला कि रेंज I 65,000 से ऊपर की तरफ जाओ और ऑफसेट से अगली कॉलम में 0 row and column 1 यहां पे आ जाओ हमने दिया आपके सामने यहां दिखा कोड लिखा हुआ है ओके। और फिर हमने बोला कि जहां एक्टिव सेल है उस एक्टिव सेल से ऊपर की तरफ ऑप्शन से एक नीचे आ जाओ ताकि हेडिंग ना हटे तो यही हमने दिया हुआ रेंज स्टार्टिंग एक्टिव सेल है और एंडिंग क्या है एक्टिव सेल से ऊपर की तरफ और एक रो ऑफसेट नीचे की तरफ और इस पूरे एरिया का वैल्यू क्या हो जाएगा सीट आई की नेम हो जाएगा जहां से डेटा कॉपी हुआ वहां से उसका नेम हो जाएगा तो यहां पे उस सीट के डेटा बन जाएंगे। इसी प्रोसीजर को जितने सीट्स हैं उतनी बार रिपीट करेगा क्योंकि हमने इसके लिए लूप लगाया हुआ है। ये प्रोग्राम समझ में आ गया। अब दूसरा इसमें है कि अभी क्या है कि मेरे जो दूसरी फाइल है जो जिसका काम सेम है बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मेरा डेटा अरेंज नहीं है जैसे कि जैन से लेकर फैब तक तो यहां है दूसरे सीट में क्या है जून पहले है फिर जैन है दिख रहा है तीसरे में जैन फैब मार्च के बाद अप्रैल मार्च मई नहीं है मार्च बाद में है तो अनसिक्वेंस मेरा कॉलम है। तो हमने क्या किया मास्टर सीट पे अपनी सीक्वेंस ले ली कि मुझे किस सीक्वेंस में मेरा डेटा चाहिए ठीक है मैनुअल करना पड़ेगा कि मुझे इस सीक्वेंस में डेटा कॉपी करो तो मुझे कॉपी करना है हर एक सीट का हर सीट का एक एक कॉलम 1 by 1 पेस्ट करना है ठीक है ना पूरी सीट कॉपी नहीं कर सकते
पहले मैं सी टू डेटा वन पे जाऊंगा और मैं फिर चेक करूंगा कि नेम है, और फिर इस नेम की डेटा को कॉपी करके यहाँ जहाँ नेम है वहाँ इसके नीचे पेस्ट कर दूंगा, फिर जैन का डेटा, फिर फैब का डेटा, फिर मार्च का डेटा, तो वन बाई वन कॉलम बाई कॉलम डेटा को कॉपी करूंगा मैच करके। तो इसलिए यहाँ पे प्रोग्राम किया भाई लूप चले सीट आई वन सीट की काउंट से माइनस वन, क्योंकि मास्टर सीट सबसे लास्ट में है तो मुझे इसी पे पेश करनी है इसलिए। फिर हमने बोला कि रेंज 65,000 से, मतलब कि जहाँ कॉपी करने से पहले ये हम सीट स्टार्ट किए हैं तो उसका लास्ट रूट क्या है, हमें पेस्ट कहाँ पे करना है, तो इसने बता दिया वन, तो वन प्लस वन कर देंगे तो टू पे हमें पेस्ट करना है। हो सकता है पहले से भी डेटा इसमें हो, तो हर बार सीट को बताएगा कि हमें पेस्ट कहाँ करना है। फिर हमने बोला कि हमारे पास 9 कॉलम है तो मैं यहाँ पे 9 लूप चलाऊंगा, क्योंकि मुझे कॉलम बाई कॉलम चलना है। तो यहाँ पे दो लूप चल रहा है, पहले लूप चल रहा है सीट के लिए, तो जब 4 9 बार चलेगा तो आपका जे एक बार चलेगा, क्योंकि एक सीट में 9 कॉलम है, राइट सर। हाँ, ये पहला सीट जो है सीट बाई चलता है कि हमें पहला लूप चलाना है उतना बार जितना सीट है उससे कम, क्योंकि हमें उतने सीट की डेटा कॉपी करना है। एक कम क्यों, क्योंकि मास्टर सीट को हम कॉपी के लिए काउंट नहीं कर रहे क्योंकि इस पे पेस्ट करना है, इसलिए जितने सीट है उससे एक कम। और दूसरा लूप बता रहा है कि हमें 9 बार चलना है, मतलब कि हमें 9 कॉलम को मर्ज करना है, एक सीट में 9 कॉलम को मैच करना है, तो यहाँ पे 9 हमने दे दिया। उसके बाद हम अब पता है अभी क्या है कि मुझे पेश करना है अपने डेटा शीट के अकॉर्डिंग। अब नेम डेटा में कहाँ है हमें नहीं पता, तो इसके लिए हमने मैच का फॉर्मूला लगाया और मैच का फॉर्मूला बताया कि ये जो नेम है ये किस कॉलम में है। किस कॉलम में है ये हमें बताया कि 1 कॉलम है, 2 कॉलम है, 3 कॉलम है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मैच लगाया। तो मैच एप्लीकेशन और वर्कशीट फंक्शन से लगाया क्योंकि डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता। हमने सेल्स आई वन डॉट जे, मतलब कि हर बार कॉलम चेंज करना है इसलिए जे ले लिया। पहले बार वन होगा, वन कमा वन होगा, दूसरे बार वन कमा टू होगा, वन कमा थ्री होगा। वन हमने फिक्स किया क्योंकि हेडिंग लेना है तो फिक्स वन है। और कहाँ मैच करनी है तो सीट आई के वो एक नंबर, हाँ, क्योंकि वन इसका उठाना है ना, हमें इसकी वैल्यू उठाना है, पहले इसकी उठानी है फिर इसकी उठानी है फिर इसकी उठानी है। तो रो तो फिक्स है बट कॉलम जो है जे के अकॉर्डिंग चेंज होगा वन बाय वन, और सीट में जाके चेक करेगा। तो ये उसकी नंबर कॉलम नंबर जो है इसको दे देगा, सी को दे देगा। हमने बोला फिर ठीक है सीट आई में जाओ, रेंज सीट आई के सेल 2 से कॉमा सी। इस बार हमने हेडिंग को नहीं पिक किया, हमने बोला कि भाई इसमें जाओ और यहां से यहां को कॉपी करो। तो सी जो है हमारा मैच का रिजल्ट है, तो कॉलम तुम वही चूज करो जो सी ने रिजल्ट दिया है, सी पे रिजल्ट स्टोर हुआ, जो मैच ने बताया है कि हमारा नेम, हमारा जैन, हमारा फैब किस कॉलम में है, सीट आई में, मैं डेटा शीट में, ठीक है, और उसको वहां से कॉपी कर। तो हमने इसको क्या किया कि भाई स्टार्ट यहाँ पे हमने सीट रेंज हमने स्टार्टिंग बोला, ये स्टार्टिंग पोजीशंस है कि सेल्स 2, C, मतलब कि दूसरा नंबर रो एंड पहला दूसरा नंबर रो एंड कॉलम सी के अकॉर्डिंग, मैच के रिजल्ट के अकॉर्डिंग से चलो। फिर हमने बोला कि से 65,000 से ऊपर की तरफ जाओ, 65,000 से उसी कॉलम में 65,000 से ऊपर की तरफ जाओ लास्ट सेल पे, ताकि मुझे यहां से और जब मैं नीचे से ऊपर करूंगा तो इन दोनों का डेटा मिल जाएगा, समझे। और उसको कॉपी कर लो और सेल्स में आओ आर प्लस वन। आर क्या है, हमने स्टार्टिंग में ही ले लिया था कि हमें डेट मास्टर सीट पे कॉपी कहां पेस्ट कहां करना है, क्योंकि पहले से भी डेटा होता होगा ना इसमें, तो ये बता दिया जैसे टू बता दिया तो यहां वन बता दिया, तो वन प्लस वन टू कॉमा जे, मतलब किस कॉलम में जिसका हमने मैच किया है उस कॉलम में पेस्ट कर दे। इसी प्रोसीजर को वो हर सीट के नौ कॉलम के अकॉर्डिंग चल करेगा यहां पे।
अब प्रॉब्लम यह है कि सीट कहां से कॉपी हुआ है, तो जो प्रोसीजर हमने यहां फॉलो किया था हमने यहां भी फॉलो कर दिया, समझे? हाँ, नेमिंग के लिए, जैसे कि यहां पे डेटा वन बाई वन करके पेस्ट कर दिया ना, तो यहां पास सीट नेम है ना, तो इसका डेटा वन यहां पे इसको पेस्ट कर दिया। कैसे पेस्ट किया? नीचे से ऊपर गया और यहां पे गया, फिर एक्टिव सेल प्लस एंड अप ऊपर गया और ये ऑफसेट से की मदद से एक नीचे आ गया और इसकी वैल्यू डेटा वन कर दिया। क्लियर है? अब तो किसी को डाउट नहीं है। बोलिए, सुन रहा हूं। हाँ, क्योंकि हमें आई दिया है ना, क्या होता है आपको सीट याद होगा, सीट जब मैंने सीट बताया था आपको, तो हमने बताया था कि हम सीट सीट्स के अंदर हम नाम भी दे सकते हैं और हम नंबर भी दे सकते हैं। तो नंबर से क्या होगा, नंबर से क्या होगा कि पोजीशन पहला नंबर ए ले लेगा, दूसरा नंबर ए, तीसरा नंबर, इसके जगह कुछ भी हो, कुछ भी हो, मानो कि मास्टर भी यहाँ पे हुआ तो दो नंबर किया तो दो नंबर पे चला जाएगा, काउंट करेगा पहला दूसरा तीसरा, नेम से मतलब नहीं है फिर इसको, तो पहला दूसरा तीसरा हमें लूप दे रहा है। पहला बार चलेगा तो आई पे वन होगा, दूसरा बार चलेगा तो आई पे टू होगा, तीसरा बार चलेगा आई पे थ्री होगा, और सेम आपका जे पे भी वन टू थ्री होगा। अब आप बता, तो तब आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा, यहां इसी चीज को समझाया। चलिए, और कुछ? अतीत जी, जाहिद जी, आप लोग भी क्लास में हैं तो आप लोग भी कुछ सजेशन दे सकते हैं। फाइल एक कोड मैं आपको भेज रहा हूँ, फाइल तो नहीं भेजूंगा मैं आपको, कोड भेज रहा हूँ, कोड को देखिए और मुझे बताइए कि इसमें अभी भी कोई तो इसी मिसिंग है, पे पूरी तरह से डायनेमिक नहीं है, अभी भी कुछ मिसिंग है, तो मुझे आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करके बताइए कि क्या मिसिंग है। ठीक है, मैंने कि काम कर रहा, मैं नहीं बोल रहा हूं कि काम नहीं कर रहा है, काम कर रहा है, ए काम कर रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि आगे चल के इसमें दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो एक कोड मैंने भेजा है, इस कोड को कीजिए, मतलब कि अंडरस्टैंड कीजिए, मुझे बताइए, तो फिर कल की क्लास में आपको समझाऊंगा। ठीक है, हाँ बोलिए, सुन।